नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। दोस्तों यहाँ पे SBI कार्ड से 50,000 रुपए के समथिंग पेटीएम से रेंट पेमेंट के नाम से पैसा बैंक में लिया जा रहा था और पैसा जो है रिसीव नहीं हुआ। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि पेटीएम से अगर बड़ी अमाउंट आप बैंक में ले रहे हो या रेंडर को पेमेंट कर रहे हो, ए भाई बोलते हैं कि मैं पेमेंट कर रहा था रेंडर को, बट मुझे इस बात का थोड़ा सा डाउट हुआ कि अगर पेमेंट ही करना था तो और भी ऑप्शन थे, UPI थे और भी सिस्टम थे, क्रेडिट कार्ड क्यों। तो चलिए बताने वाले हैं कि अगर आपका पेमेंट रिसीव नहीं होता है, आपने पेटीएम से किया है, तो कितना टाइमिंग लगेगा, कैसे आपको चैट करना है, कैसे आपको ईमेल करना है, क्या करना है, हम आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में बताने वाले हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों यहाँ पे हमारे एक व्यूअर्स हैं जो कि पेटीएम के थ्रू पैसा रेंडर को पेमेंट कर रहे थे, ये बता रहे थे ईमेल में। अब इनका 50,000 रुपये का अमाउंट था और 23 तारीख के समथिंग बता रहे कि मैंने किया था और 23 तारीख को किया और आज जो है 26 तारीख हो चुका है, मतलब कि 3 से 4 दिन मान लो, अब 3 दिन मान के चलो। वैसे तो जो पैसा है ये करीबन 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाता है, कभी कभी तुरंत हो जाता है, बट यहाँ पे पैसा नहीं आया। अभी पैसा आने में कितना टाइमिंग लगेगा, रिफंड होने में क्या प्रोसेस, चलिए बताते हैं। देखिए जब भी पेटीएम से आप अगर 50,000 के ऊपर पैसा ऐड करते हो तो आप आपका पैन कार्ड का नंबर मांगता है और 50,000 में अगर आप 1 रुपये कम करते हो तो पैन नंबर आपका नहीं मांगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने SBI कार्ड से इतना बड़ा अमाउंट लेने की कोशिश किया या ट्रांसफर करने की कोशिश किया, जो भी करने की कोशिश किया, अब वो पैसा जो है नहीं रिसीव हुआ। अभी परेशान है कि मेरा पैसा आया क्यों नहीं। तो इसके लिए फ्रेंड मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप जो है पहले 3 से लेकर 4 दिन वेट कर लो। संडे सैटरडे काउंटिंग नहीं होना चाहिए, मतलब कि इसका माने नहीं होगा, उसको छोड़ के 3 से 4 दिन आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपका पैसा अगर आप रेंडर के अकाउंट में या आपके आपके पास अगर नहीं आता है तो आपको चैटिंग का ऑप्शन पेटीएम के ऐप में मिलेगा, वहां से आपको चैट करना है, वो आपको रिप्लाई करेंगे। बाकी मेल करने का सारा रास्ता बंद हो चुका है, कुछ भी नहीं है। अब चैटिंग करना, लास्ट में ट्वीट करना, तो ये आपके ऊपर है, आप इस प्रोसेस को पूरा कर लीजिएगा। वैसे पेटीएम से पैसा फंसता नहीं है, सारा सिस्टम ने ऑटोमेटिक बना दिया है, मतलब कि अगर आपका पैसा 3 से 4 दिन में अगर अकाउंट में नहीं आता है तो ऑटोमेटिक पेमेंट रिफंड आपके कार्ड में हो जाएगा। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, पैसा आपका सेफ है। पेटीएम में किसी का पैसा जल्दी नहीं फंसता, अगर फंसता भी है तो रिफंड मिलता है, थोड़ा टाइमिंग लग जाता है, तो कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम, कभी कुछ बग इशू कारण जो है ये दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे अगर आप ये इस तरह से अमाउंट अगर कर रहे हैं तो मेरी एक बात है, थोड़ा अलग से नोट कर लेना, बड़े बड़े अमाउंट मत करना, छोटे छोटे अमाउंट करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप बड़े अमाउंट एक साथ करोगे तो आपको शायद दिक्कत हो सकती है। तो ये है पेटीएम का पूरा तरीका, पैसा जो है चाहे आप रेंट का इस्तेमाल करो, चाहे आप अपने बैंक में लो, ये है इसका पूरा प्रोसेस। आपको डरना बिल्कुल नहीं है, मेरे 2 ट्रिक को फॉलो करना, पेटीएम को चैट करना और ट्विटर पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देना। रिप्लाई तुरंत नहीं आएगा, टाइमिंग लगेगा, पर आपका समाधान होगा। बाकी भाई कस्टमर सपोर्ट और मेल का कोई तो उठा नहीं है, सिस्टम नहीं है। तो आप बताना कि आपका पैसा कहीं फंसा था, कितना टाइमिंग लगा था, फिर कमेंट में जरूर देना। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।